वहीं लोकसभा चुनाव के गढ़ में दिग्गज नेता चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इसके तहत ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बेलान के समर्थन में चुनावी सभा के लिए संगवियां पहुंचे, जहां पहुंचते ही जेपी नड्डा ने संगवियां में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत की राजनीति आज मोदी के नेतृत्व में बदल चुकी है। जनता ने मन बना लिया है कि जनता का आशीर्वाद कमल के फूल को ही मिलेगा। इसी दौरान जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए के समय में महंगाई 8% थी, जो अब 4% है। देश में विदेशी मुद्रा का निवेश दोगुना हो गया है और अब चीन की बजाय भारत में निवेश हो रहा है। हनुमानगढ़ से राजवर्धन पारिक की रिपोर्ट। हमारी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय 50% बढ़ गई है और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दुगना हो गया है, ये भी हमको याद रखना चाहिए। हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा का निवेश ये भी दुगना हो गया है। आज दुनिया के लोग भारत में निवेश कर रहे हैं, चाइना में नहीं कर रहे, भारत में निवेश कर रहे हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि आज हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल मार्केट में भारत तीसरे नंबर पर खड़ा है, जापान को हमने पछाड़ दिया है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। इस बात में हम चौथे नंबर पर थे, आज इस बात का प्रोडक्शन दूसरे नंबर पर हो गया है। आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, 10 साल पहले इसी मोबाइल पर लिखा होता था मेड इन चाइना, आज जो मोबाइल आपके हाथ में है इस पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। आज भारत में 97% मोबाइल बन रहा है और तो और छोड़िए, हमारे एप्पल का भी मोबाइल अब भारत में बन रहा है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए।